मेडिटेरियन सी के थ्रू, मतलब समंदर के थ्रू कोई इजिप्ट में आके बस गए और कोई यूनिवर्स में चले गए, कई ग्रहों पे चले गए या आसमानों में चली गई वो एनर्जीज। और आधे जो मरमेड थे, मतलब आपने जलपरियों का नाम सुना होगा, तो वो समंदर के अंदर चले गए। तो वो अभी भी उस शहर के अवशेष ग्रीस, जो आपने सुना होगा एक देश का नाम है ग्रीस, में अभी भी उस शहर के अवशेष मिले हैं, जैसे हमारी द्वारका नगरी के हैं, और वहाँ अभी भी रिसर्च चल रही है वहाँ पर। ये जो आपने मुझे अभी जानकारी दी दर्शकों को कि ये लोग मन से मन कांटेक्ट करते थे, तो ये कुछ ऐसी कुछ साधनाएं करते थे, कुछ ऐसी प्रिपरेशन करते थे जिससे कि एक दूसरे से ये बिना टेलीफोन, उस समय टेलीफोन तो नहीं हुआ करता था, नहीं। तो इन लोग कैसे ये कुछ करते थे, वैसा कुछ पूजा पाठ कुछ करते थे? देखिए, ये देवताओं के पुत्र थे, ऑफकोर्स जहाँ तक साधनाओं का सवाल है, बिना साधना के ये सारी चीजें आती नहीं है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना हाई होना चाहिए, आप इतना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सको अपने माइंड को और फोकस कर सको कि आप उस लेवल पे जा सको, फाइव डायमेंशनल लेवल पे। 3D वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं जहाँ हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं और हम लोग एक भाषा के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन जो 5D लेवल होता है उसमें हमको फिजिकली एक दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग अपने टेलीपैथिक मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। जैसे हम ऋषि मुनि योगियों को देखते हैं, वो कभी भी कहीं भी किसी समय भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और जिससे भी बात करना चाहें, चाहे वो देवता हो चाहे किसी मनुष्य की आत्माएं हैं, उनसे वो बात कर सकते हैं। उसको बोलते हैं 5D मीन्स 5D लेवल। इसमें जैसा आपने बताया कि किस तरीके से ये लोग एक दूसरे से बात करते थे, तो आप ये जो लेवल की अगर अपन बात करें तो ये लेवल जो आज भी ऋषि मुनि हैं कुछ ऐसे जो कि आज भी बात कर लेते हैं, तो वो क्या उनका एक जो मानसिक हो जाता है कि वो घर छोड़ देते हैं, तो उनको क्या ऐसी कुछ प्रेरणा मिलती है कि वो घर छोड़ के सिर्फ पूजा पाठ में ये इन सब चीज़ों में ही हो जाते हैं, ये कहाँ तक आप देखिए? ये जो होती हैं ये ओल्ड सोल्स रहती हैं जिसे कहते हैं हम हजारों जन्म लेते हैं, एक के बाद एक हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी पिछले जन्म से चीज़ें हमारी इस लाइफ में आती हैं और वो अनलॉक होती हैं वो चीज़ें। और सबको जो यूनिवर्स है एक स्पेसिफिक टाइम है, किसी को 20 में मिल जाता है, किसी को 15 में मिल जाता है, तो किसी को 60 में मिल जाता है वो सिद्धियाँ या वो शक्तियाँ कि उस लेवल पे वो अपनी साधनाएँ करके अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करके और जनमानस का या जन कल्याण कर सके। एक सवाल और था, क्या ये नॉर्मल व्यक्ति, जैसे कि अगर अपन बात कर रहे थे कि ये 3D में चल रहे हैं अपन, लेकिन अभी अगर अपन को 5D में यानी उस स्तर पर पहुंचना है, तो उस स्तर में पहुंचने के लिए क्या किया जाएगा? अगर अपन को उस स्तर में वही देवताओं के समान एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाना, तो वो किस तरीके से बनाया जाएगा? जी, सबसे पहले हमें अपने आप के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे हैं आज, और उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अगर आप मेडिटेशन भी करते हो तो आपको 3-4 अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने में, क्योंकि विचार आते हैं जाते हैं, आने दीजिए जाने दीजिए, लेकिन आपको अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट पहले करना सीखना पड़ेगा, फिर कोई अच्छे गुरु से आपको दीक्षा लेके साधनाएँ सीखनी पड़ेंगी, तब धीरे 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 आपका गुरु ही आपको बताएगा कि कब आप उस लेवल पर पहुँच सक चुके हो और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक प्रोसेस होता है जिसको पूरा होने में हो सकता है 6 भी लग जाएँ, हो सकता है 6 भी लग जाएँ, ये पर पर्सन की फ्रीक्वेंसी लेवल पे होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे यूनिवर्स में वाइब्रेट करती है। अगर लो लेवल पे है तो उसको हाई लेवल पे बोलते हैं कि इन्हें अलग अलग रूप में भी पूछ सकते हैं, या तो माँ के रूप में, या तो प्रेमिका के रूप में, या आप किसी भी बहन के रूप में, तो ये है रियल फैक्ट की जो होता है? देखिए, लोग प्रेमिका के रूप में तो करते हैं, साधनाएँ करते हैं, लेकिन उसका एक जिसे कहते हैं कि ड्रॉबैक भी होता है कि अगर आपने उसको प्रेमिका के रूप में साधा है तो आप भले ही अपनी माँ या बहन किसी भी स्त्री के साथ को आप देख नहीं सकते, अगर आपने उनको देखा या आपका प्रेम उनकी साइड हुआ तो वो फिर आपको पागल भी कर सकती है, आपको मार भी सकती है, ये सच बात है, क्योंकि मेरे गुरु जो हैं ये सारी साधनाएँ जानते हैं करवाते हैं, तो मुझे इतना नॉलेज है। फिर से आ जाते हैं अपना पार्ट की तरफ,
ये जो अभी आपने मुझको कार्ड दिखाया, इसमें आप किस तरीके से आम जनता को उनके विषय में जानकारी देते हैं? जी बिल्कुल, अलग अलग स्प्रेड्स हैं। जैसे हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि मैम ये इश्यूज हैं, तो सबसे पहले हम उनके टैरो कार्ड्स एक्सेस करते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या मैसेज, मतलब एंजेलिक मैसेज या कौन से जिस भी रियलम से हमको लेना है। जैसे हम अटलांटिस सिटी के जो लोग हैं वहाँ के हम मैसेजेस पढ़ना चाहते हैं, तो हम फिर ये कार्ड एक्सेस करते हैं। तो फिर हम उनको ये मैसेजेस बोलते हैं कि भाई ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं अटलांटिस से, तो आपको उस इतने समय तक ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, तो आपको क्या, जैसे आप उन्हें बुलाते हैं तो आपको कुछ वॉइस भी आती सुनने में, कुछ ऐसा कुछ आवाज़ होता है? जी बिल्कुल, जब आप एक्सेस करते हैं ऐसी चीज़ें या आप एंजल्स को कॉल करते हैं, तो कई बार आपको बहुत सारे ऐसे वाइब्रेशंस फील होते हैं बॉडी में। कई बार जैसे टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं कान के पास होंगे, या कई बार ऐसे आपके हाथ में अचानक होना शुरू हो जाएंगे, या गूस बम्स जिसे हम कहते हैं, अचानक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो एनर्जीज आपके जैसे ही आसपास आती हैं तो आपके रोंगटे खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कि वो लोग आसपास हैं, नज़दीक हैं, आपने उनको बुला लिया है और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी तरीके से हम आपके लिए जानकारियाँ लाते रहेंगे। आज हमारी ये पूरी संपूर्ण कहानी थी कि हमने किस तरीके से कार्ड पे शोध किया गया और किस तरीके से देवता कहाँ रहते थे, इस विषय पे हमने आपको बताया और विभिन्न जानकारियाँ बताई। आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारियाँ लाते रहेंगे। नमस्कार।